नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जो लंबे वक्त से राहत का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ये इंतजार अब और करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी लेकर पहुंचे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ईडी और सीबीआई इस मामले में फाइनल चार्जशीट और कंप्लेंट फाइल नहीं कर देती है, तब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है। और जब ईडी और सीबीआई द्वारा फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, तब मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राहत के लिए खटखटा सकते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच संदीप मेहता और अरविंद कुमार के सामने ईडी द्वारा पेश हुए वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ये बताया कि वो आने वाली 3 जुलाई को अपनी फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करते हुए ये आदेश दिया कि जब तक फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है, तब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 15 महीने से हिरासत में है और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को कथित घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज अलग अलग मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी और कहा था कि ये मामला उनकी ओर से सत्ता का गंभीर दुरुपयोग किए जाने और जनता से विश्वासघात से जुड़ा है। हालांकि हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वे ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना जारी रख सकते हैं। इसके पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। बहरहाल, हमारे इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।